पर आपने मेरा नाम कनेक्ट कर दिया, आई एम रियली ग्लैड, क्योंकि माँ सबसे ऊपर और माँ से ऊपर कोई है ही नहीं फॉर मी ऑल्सो. सो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ को यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज देयर इज़ अ ब्रिलियंट इवेंट विच इज़ हैपनिंग. एंड माँ टू मॉम, देयर डूइंग रियली अ ग्रेट जॉब फॉर ऑल द मदर्स, क्योंकि माँ बनने के बाद आपकी जो लाइफ होती है वो बच्चे के ही इर्द गिर्द हो जाती है, और आप अपनी लाइफ एक तरह से भूल जाते हो, बट वो लाइफ भी इतनी प्यारी होती है जब आप माँ बनते हो कि आपका मन भी नहीं करता कुछ करें. बट यू नो, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू हैव योर ओन लाइफ ऑल्सो, योर पैशन. तो आई एम हियर एट द इवेंट राइट नाउ, एंड देयर आर सो मच हैपनिंग आउटसाइड, दे आर डूइंग सो मच फॉर द वुमेन जो चाहते हैं अपने लिए कुछ करना. सो दिस इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड द राइट प्लेटफॉर्म फॉर द वुमेन हु आर मदर्स, एंड टुडे इज़ द मदर्स डे. आई विश ऑल द मदर अ वेरी हैप्पी मदर्स डे. पता है, जहाँ तक मैं अपने आप को जानती हूँ, फॉर एवरी डे इज़ अ मदर डे फॉर मी, और मैं अपनी माँ की भक्त हूँ, जो मुझे अब तो मुझे लगता है मेरे सारे परिवार, मेरे सारे दोस्त भी यही कहते हैं. सो एवरी डे इज़ अ मदर डे फॉर मी. मैं एक दिन भी ऐसा चूकता नहीं है जब मैं अपनी माँ के लिए कुछ करती नहीं हूँ. सो वेदर इट्स यू नो ऑनलाइन गिफ्ट्स पहुँचवाना इफ़ शी इज़ नॉट इन टाउन, जब वो यहाँ होती हैं तो रोज़ उन्हें कुछ ना कुछ किसी अलग तरीके से पंपअप करना. सो शी इज़ लाइक एवरी थिंग टू मी. तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरी डे इज़ अ मदर डे फॉर मी, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड दैट यू नो हमारे ऊपर माँ का हाथ है. मुझे पढ़ती है बचपन में तो खैर, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा शैतान थी. बोलते हैं ना जब आप स्कूल में डवा मार लो, मैं थी उस टाइप की बहुत ज़्यादा. घर से गायब हो जाना, फिर यू नो कोचिंग के बहाने दोस्तों से मिलना, तो ये सब किया है मैंने. उस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी, और अब तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब मैं उनको बता कर जाती हूँ कि मम्मी मैं ये कर रही हूँ, यू नो, तो वो मुझे तब भी डांटती हैं, और माँ माँ ही होती है. मैं बहुत जल्दी आपको भी ये गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ. मैं भी खुद थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, एंड आई बिलीव कि बहुत जल्दी आपके पास न्यूज़ आएगी. मैं सभी मम्मीज़ को कहना चाहूँगी, यू डूइंग ब्रिलियंट जॉब, और माँ बनना सबसे बड़ा सौभाग्य है एक यू नो औरत की लाइफ में. सो ऑल द मदर्स हैव अ हैप्पी मदर्स डे, और जितने भी बच्चे हैं प्लीज़ अपनी माँ को बहुत ज़्यादा पैम्पर करें, और रोज़ करें, मदर्स डे का वेट ना करें. बारे में मैं पहली बार शिरकत है मेरी, तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जो माँ टू मॉम कॉन्क्लेव है, इट्स बीन मोर देन 7 ईयर्स आई हर्ड, एंड जगत की आधी शक्ति, यू नो आधी आबादी नारी शक्ति, जहाँ पर पुरुष शक्ति हमेशा सरेंडर होती है वहाँ पे, तो ये महिलाओं का ये इतना बड़ा ग्रुप, एंटरप्रेन्योर जितने भी हैं इस ग्रुप के साथ जुड़े हैं और नोबल कॉजेस के लिए एक साथ हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे. और बीइंग अ सेलिब्रिटी, हम लोग बहुत सारे नोबल कॉजेस के लिए जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ ग्रेटेस्ट कॉज आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस. सो मैं इतना ही कहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट, और बार बार लगातार आपके नारी शक्ति के हाथ यूँ ही महाशक्ति का ये मिलाप होता रहे हर साल. और क्या कॉज है, वुमेंस डे, सो सेलिब्रेटिंग विद मोस्ट ब्यूटिफुल पावर एंड मोस्ट पावरफुल विजन विद पावरफुल महाशक्ति, नारी शक्ति. सर, बहुत ही अच्छा
बहुत बढ़िया लगा आपसे सुनकर। आपने सर हमेशा हमें हंसाया, तो क्या आपके मॉम के साथ कोई ऐसा मजेदार किस्सा जो आप हमें बताना चाहेंगे? मेरी मॉम बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत अनाड़ी है, और आज भी मैं पहला जो किस्सा है ना बीइंग अ मिमिक्री आर्टिस्ट, तो कहते हैं ना मम्मी से ही आता है बच्चों को, तो मम्मी आवाज़ों से, मैं जब कॉलेज में हुआ करता था तो मम्मी फ़ोन जब आता था तो किसका फ़ोन, मैं पूछता था किसका फ़ोन आएगा, तो मम्मी उसका आवाज़ निकाल के बताती, अरे कुछ ऐसा ऐसा मदन जैन नाम का कोई वो ऐसा नवीन पर, तो ऐसा बताती थी मुझे, तो ये मैंने तुम्हें कैसे मालूम, तो ये ऐसा ही बोलता था तो मुझे क्या मालूम। तो जितना मेरे पास आया है आई थिंक माँ नाम कितना बड़ा है मेरे लिए आप सोच सकते हैं, तो उसी की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके साथ। सर हमारी मॉम ऑडियंस और सभी मॉम आपको देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? माँ के बारे में कौन क्या कह सकता है, यू नो माँ से बड़ा ओहदा नहीं है इस दुनिया में, एंड माँ ममता प्यार प्रेम सारी चीज़ें वहीं से, और दुनिया की आधी आबादी आई थिंक यू नो माँ है, माँ से शुरू होती है, माँ की कोख से हर यू नो हर अच्छाई जननी माँ जननी नाम से ही पहचानी जाती है सारे वर्ल्ड में, तो उनके बारे में मैं कुछ कहूँगा, एक अंश मात्र हूँ, और सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप माँ से जुड़े रहने का एक बहुत ही अच्छा कॉज, बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस M2M माँ टू मॉम के इस कॉज के इस प्लेटफॉर्म पर। ऑल द बेस्ट एंड बधाई। यू नो इट्स अ ब्यूटिफुल इवेंट, अंदर आकर ही पता चलता है कि कितनी एनर्जी है। एंड एक मैं कहानी बोलना चाहती हूँ, एक्चुअली मेरा नाम नया सागी है, मैं गुड ग्लैम ग्रुप की को फाउंडर हूँ जो इंडिया का फर्स्ट ब्यूटी पर्सनल केयर यूनिकॉर्न है, लेकिन मेरा पहला जो स्टार्टअप था वो बेबी चक्रा है जो इंडिया का लार्जेस्ट पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म है। और जब मैं अमेरिका से इंडिया आई थी मुझे आई डेंट नो एनी मदर्स, मैं किसी को नहीं जानती थी, मैंने ज्योति को कॉन्टैक्ट किया था कि ये पेरेंटिंग इंडिया में होती कैसी है, हाउ व्हाट आर मदर्स फीलिंग, व्हाट आर मदर्स थिंकिंग, एंड ज्योति ने मेरी बहुत मदद की थी। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फुल सर्कल एज एन एंटरप्रेन्योर टू कम बैक हियर टू सपोर्ट ज्योति एंड ऑल द मदर्स एट माटू मॉम ऑन द मदर्स डे सेलिब्रेशन टुडे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस लग रहा है। यू नो आई थिंक एक बहुत ज़रूरी चीज़ हम सब एक्चुअली एज मदर्स वी मस्ट एक्नॉलेज एंड मस्ट कीप इन माइंड, वन इज़ टू वॉच आउट फॉर आर सेल्व्स, राइट? आई थिंक इन द होल भागदौड़ ऑफ रेगुलर जिंदगी, बच्चों को बड़ा करना, यू नो पेरेंट्स को देखना, हस्बैंड को देखना, सबको देखना, राइट, हम अपने आप को भूल जाते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट योर सेल्फ। नंबर टू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट योर एम्बिशंस। यू नो व्हेन यू कम ऑन दिस वर्ल्ड, व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, व्हेन यू वर अ यंग गर्ल, आपकी एम्बिशंस थी, आपकी ड्रीम्स थी, राइट? एंड आज दुनिया खुल गई है, एवरीबॉडी इज वर्किंग फ्रॉम होम, यू कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू कैन एक्चुअली सपोर्ट योर फैमिली वर्किंग फ्रॉम होम स्टिल एज अ क्रिएटर, एज अ ब्लॉगर, एज एन एंटरप्रेन्योर, राइट? सो आई थिंक प्लीज डोंट फॉरगेट योर सेल्फ एंड प्लीज वॉच आउट फॉर योर सेल्फ। यही है मेरा आई थिंक एडवाइस एज एन एंटरप्रेन्योर मॉम माई सेल्फ। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट रियली हैपेंड माँ टू मॉम इज, मैं खुद अपने मॉम के बहुत करीब हूँ, एंड हर लड़का आई थिंक मुझे लगता है ना अपने माँ के बहुत ही करीब रहता है, एंड मैं बहुत ज़्यादा बहुत सेंसिटिव हूँ अपने मॉम के लिए, एंड बहुत केयरिंग हूँ। कई बार ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती है कि मैं बिकॉज आई एम द यंगेस्ट सन, तो आई यूज टू कॉल माई मॉम लाइक यू नो तू रोहन की माँ है, मतलब मेरा बड़ा भाई जिसका नाम रोहन है, तो मुझे ऐसा लगता था कि यू नो शी ऑलवेज यूज टू लाइक, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ भेदभाव होता है एंड ऑल दैट थिंग, तो ऐसे मस्ती मस्ती में करता था, बट देन यू नो माँ माँ होती है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड। लाइक टुमारो इज लाइक यू नो हम हैप्पी मॉम्स डे है, लाइक यू नो इट्स लाइक, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू नो एवरीबडी शुड मेक योर मदर फील स्पेशल, नॉट ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर डे, वी ऑलवेज वी शुड एक्चुअली रिस्पेक्ट। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि यू नो वेदर इट्स अ वैलेंटाइन डे और वेदर इट्स एनी डे, इफ़ यू जस्ट गो एंड टेल योर पेरेंट्स लाइक यू नो हाउ मच यू लव दैम, आई थिंक दैट रियली मीन्स अ लॉट, दैट रियली मैटर्स टू दैम। तो अगर आप कहोगे कि यू नो मॉम आई रियली लव यू ऑन दैट पर्टिकुलर डे, नो, अगर आप रोज़ अगर आप कहोगे तो यू नो इट टच देयर हार्ट, इट टच देयर, आप देखोगे वो एक स्माइल जो होगा ना उनके फेस पे जो आता है वो अलग ही होता है। मैंने कई बार मैंने अपने मॉम को जो मैंने बोला आई लव यू मॉम, नॉट ओनली फॉर एनी ओकेजन, नॉट बिकॉज लाइक आई लाइक मुझे कुछ अचीव कर लिया मैंने इसके वजह से मैंने मॉम को गले लगा लिया एंड ऑल दैट थिंग, समटाइम्स यू नो यू जस्ट फील दैट थिंग, यू नो व्हेन यू आर सैड, यू आर सिटिंग लोनली, यू आर सिटिंग अलोन, शी कम्स एंड शी गिव्स यू दैट हग, दैट वार्म्थ, यू कैन कनेक्ट विद दैट।
So why can't we just go and do that the same thing for no reason? It's like for no freaking reason you're just going and you're just giving a hug and you just tell your mom or your dad like how much you love them. So I think talking about this event, this is something like, you know, ma to mom. Main aaj mom ko main wahi bol raha tha ki I'm going for such event. So I thought actually I should bring my mom actually for this event. She wanted to see something like that. But then fir unki thodi health fir again sunstroke na ho jaye, so that's why I just told like, you know, you better just stay at home. But yeah, this is something great. I'm doing it for the first time. अरे ऐसा कई बार होता है यार, मतलब लाइक ऐसा लगता है ना कि अभी मेरा भाई मुझसे 2 मिनट की दूरी पे रहता है भाभी के साथ, तो मतलब जब भी वो आता है तो ऐसा लगता है मुझे कि उसके लिए बहुत कुछ बन जाता है और उसके लिए अच्छे अच्छे मनपसंद डिशेज बन जाते हैं। तो मैं बोलता था अरे रोहन की माँ यार मेरे लिए भी कुछ बनाया करो यार, मतलब लाइक मैं बचपन से उनको रोहन की माँ बोलता था क्योंकि मेरा बड़ा भाई मुझसे बड़ा है, तो मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि यू नो बड़ा भाई, और वो मेरे दिमाग में ऐसा फीड करता था बचपन में मेरा भाई कि यू नो व्हाट, मैं बड़ा हूँ ना तो माँ का पहला प्यार उसके बड़े बेटे पे होता है, मतलब कोई भी होता ना संसार में किसी की भी मतलब ये होता पहला बोलता ना पहला प्यार उसके बड़े बेटे पे होता है, बाद में वो दूसरा वो आ जाता, तो वो एक लाइबिलिटी है हमारे लाइफ में। तो मैं बहुत गुस्सा होता था, मुझे बहुत बुरा लगता था, तो मैं डैड के पास जाता था, तो मैं ऐसा समझता था, मैं हमेशा बोलता था कि रोहन तू माँ का मैं डैड का, तो हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसा मतलब हम लोगों ने डिवाइड कर लिए थे, मैं डैड का तू माँ का, तो इसलिए मैं मॉम को बोलता था तू रोहन की माँ है, बट ऐसा नहीं है, वो मस्ती मस्ती में होता था। सर अभी रोहन की मम्मा और बाकी जो मम्मा आपको देख रहे हैं क्या? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप बस ऐसी अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, ज़्यादा फिक्र मत कीजिए अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चे बहुत सही सलामत अपने आप को लोगों को ही नहीं, मेन पहली बात तो हम अपने माँ बाप को ही प्रूव करें और अपने आप को ही प्रूव करें सबसे बड़ी बात है, लोग बाद में आते हैं, पहले फैमिली आती है, पहले हम खुद आते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया होती है। तो आप मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा आपके जितनी भी माएँ हैं, आप प्लीज़ अपने बेटों के ऊपर टेंशन ना लें, वो काम कर रहे हैं, अपने बस अपने हेल्थ की तरफ ध्यान रखिए एंड बस ऐसे हंसते रहिए। मदर्स को आप जितनी भी हेल्प करो उतनी हमेशा ज़रूरी होती है, जबकि वो दिखाती नहीं है कि उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है, बट आई एम अ मदर एंड आई थिंक एवरी मदर इज़ लेट टू मी कि हमको हर वक्त किसी ना किसी हेल्प की ज़रूरत होती है, बिकॉज हर वक्त हमारे दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन शुरू होता है और हर वक्त हमारे दिमाग में कोई ना कोई सोच होती है बच्चों को लेकर बच्चे को लेकर। सो एंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई रियली वांट टू टेल वन थिंग टू एवरी मदर कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस है या आपको किसी चीज़ को लेकर किसी को कुछ पूछना है तो आपको ये बोलने की या ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि आप में कुछ कमी है इसलिए आपको क्वेश्चन है, या तो आपको कुछ पता नहीं है तो इसमें आपकी कोई गलती है, या उस चीज़ का गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आस्क, आपको वो पूछना ज़रूरी है। एज अ मदर हम मदर्स बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, तो जस्ट डोंट थिंक दैट मच। हाँ हर एक बात जो माँ के ऊपर बीतती है माँ बनने के बाद हर लड़की को समझ में आती है कि क्या बीती होगी, मतलब तो जो बच्चे हैं हमारे वो जैसे बदला लेने के लिए पैदा होते हैं और जो जो हमने अपनी माँ के साथ किया होता है रिपीट टेलीकास्ट होता है उसका, और पता चलता है हर पता नहीं जिंदगी में कितनी बार जाके मम्मी के पास चुके सॉरी बोलते हैं हम बच्चा होने के बाद। बिल्कुल, और बच्चा होने के बाद मैंने अपनी माँ को बोला आई को बोला आज के बाद कभी तुझे भुगतना पड़ेगा डायलॉग बोलना मत प्लीज, वो भुगतना पड़ता है। खैर वो बोले ने बोले एक बार बच्चा हो गया तो भुगतना तो पड़ेगा। मैं उनको सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहूँगी और सबसे मेन बात
कई बार हम अपनी माओ को ना बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे मम्मी तो है ना, मम्मी तो है ना. तो कभी कोई फ़ोन, कभी कोई मैसेज, कभी कोई एक सडन कॉल भी उनको खुश कर सकता है. गिफ्ट्स और भी ज़्यादा खुश करते हैं, गिफ्ट्स भी दे सकते हो, बट एक कॉल, एक मैसेज करते रहो, इट्स इम्पॉर्टेंट. माँ को बहुत खुशी होती है. मैं तो मदर नहीं हूँ, तो मैं भी उनको बोल रही थी कि मेरा यहाँ पे आना बनता है नहीं बनता है. बट आई थिंक आज का जो पूरा पॉइंट ये है कि हम आते हैं मदरहुड को सेलिब्रेट करें, और आई थिंक इट्स मे बी द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग दैट वन कैन हैव. अभी मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं है, बट आई एम श्योर आई विल वेरी सून. बट इट्स वेरी स्वीट जो यहाँ पे लोग कर रहे हैं, दे आर गेटिंग यू नो काइंड ऑफ एक्नॉलेजिंग ऑल द मदर्स इन यू नो वट एवर दे आर डूइंग. एंड मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो अभी बाहर जाके देखते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है. बट जहाँ तक मुझे दिख रहा है बहुत मज़े हो रहे हैं. एंड ऑब्वियसली जैसे कि हमेशा कहते हैं, द मदर शुड ऑल्सो हैव एवरी अपॉर्चुनिटी टू हैव फन एंड एंजॉय देमसेल्व्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग हियर. मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ एक्चुअली. मैं आई एम अ वेरी हार्ड कोर फैमिली गर्ल, एंड आई थिंक हमेशा ऐसे कहते हैं यू नो आई सी माय फ्रेंड्स, आई मीन आई हेट टू से, पर कितने लोग के दे लूज पीपल राइट, देयर मदर्स एंड देयर फादर्स. सो आई ऑलवेज फियर कि कभी मैं लेट ना हो जाऊँ लाइफ में इन टेलिंग देम हाउ मच आई लव देम. सो आई मेक श्योर वेरी ऑफन आई गिव लॉट्स ऑफ हग्स, I give lots of cuddles, I always tell my mom how much I love her, and I really, really, truly love my mother a lot. I'm very blessed. I think आपके बच्चे अगर आपको कभी भी कुछ कहें कि आपने कहीं कुछ गड़बड़ करी है, किसी की बात मत सुनना, because I think any sort of motherhood is a great sort of motherhood, and there's no right or wrong. आपको अपने बच्चों को बड़े करने का कोई भी तरीका कभी भी करेक्ट नहीं होता है या गलत नहीं होता है. आप अपने बच्चों को ऑब्वियसली प्यार करते हो, हर माँ अपने बच्चों को ऑब्वियसली प्यार करती है. तो दिस मैसेज इज एक्चुअली इज फॉर द किड्स कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स को इतना जज मत करो, अपने माँ पर इतना प्रेशर मत डालो, क्योंकि मेरे हिसाब से हर माँ जितना कर सकती है वो हमेशा करती है. थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी. मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो इवेंट हो रहा है ये मदरहुड का सेलिब्रेशन है, और मुझे लगता है कि मदरहुड का सेलिब्रेशन जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि माँ होना एक स्पेशल स्पेशल बात है. और जब भी औरत के पास ही ये एक शक्ति होती है कि वो माँ बन सकती है, शी कैन क्रिएट अ न्यू लाइफ, और वो उस न्यू लाइफ को गाइड करती है, उसको एडुकेट करती है, उसको संस्कार देती है. इन अ वे शी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. तो इट्स रियली अमेजिंग. एंड क्योंकि मैं एक माँ हूँ, और माँ होने की जो फीलिंग होती है वो सिर्फ औरतें जो माँ बनती हैं वही एक्सपीरियंस करती हैं. इट्स अमेजिंग. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टू सेलिब्रेट मदर. इस इंडस्ट्री में काफ़ी आपके बेटा बेटी बहुत सारे हैं, तो कैसा लगता है आपको हर बार नई किरदार की मिलने वाले, कभी गुस्से वाली, कभी शांत वाली, आपने सभी माओ के किरदार निभाए हैं. जी जी. कैसा रहा वो एक्सपीरियंस आपका अलग अलग माओ के साथ? बहुत अच्छा लगा. और मुझे, मैं सिर्फ एक ही अगर इमोशन प्ले करती, जैसे अमूमन हमारी फिल्मों में दिखाया जाता था एक टाइम पे कि वो सिर्फ रोती रहती थी और एक कंगन देती थी बहू की, लेकिन आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि आई हैव प्लेड डिफरेंट इमोशंस. पॉजिटिव माँ भी करी है मैंने, मुझे कुछ कहना, मैं बंधन में वेरी अग्रेसिव मदर, और बीवी नंबर वन में तो ऐसी माँ का रोल मैंने किया है जो कि बहू का साथ देती है, बेटे का नहीं देती, क्योंकि बेटा गलत है. और कॉमेडी भी की रही है, तो आई लव प्लेइंग
क्योंकि एज एन एक्ट्रेस मज़ा आता है कि डिफरेंट कलर्स करने के लिए। सभी मम्मी का रस एक ही नजर में आ रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से तमाम ऑडियंस अलग-अलग लोग आपको देख के आते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे राष्ट्र के लिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जितनी भी माएँ हैं उनको मैं कंग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी कि आप जो भी कर रही हैं, क्रिएशन, टीचिंग, आप एक बहुत महान कार्य कर रही हैं। और वैसे तो मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन मदर्स डे है। वी शुड लर्न टू रिस्पेक्ट आवर मदर्स, क्योंकि मेरी भी माँ सुपर मॉम थी। और लेकिन जब माँ चली जाती है तब उसका एहसास होता है कि हाउ मच शी मीन्स टू यू। माँ एक सहेली, एक फ्रेंड है, एक गाइड है और सब कुछ है, आपको कंफर्ट देती है। जितनी मतलब वर्ड्स फेल कि माँ को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर मदर्स, और जितनी भी मदर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई। एवरी डे इज योर डे। अरे सुनो मेरी थैंक यू, हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, आप लोग क्या खींच कर रहे हो बस। हाँ बेसिकली मीटिंग यू बीटीएस, सो आई कैन टैग यू गाइस इन ऑल द चैनल्स हुआ है। इंस्टाग्राम के फिल्टर्स बेसिकली एक और आ गए, सब नकली है, क्योंकि मैं सदानी हूँ और अब बचपन से घी और मक्खन मक्खन खा के पैदा हुए। पहली बात तो ये जो इनिशिएटिव है माँ टू मॉम, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और जो एक ओल्ड जनरेशन को न्यू जनरेशन के बीच का जो गैप था उसको कंप्लीट करना करने की जिम्मेदारी जो इनिशिएटिव लिया है योगिता जी ने और ज्योति जी ने, ये बहुत अच्छा है। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो इंडिया भर की जो वुमेंस हैं, जो मॉम्स हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया जो हैं, उनको कनेक्ट करना, उनको जोड़ना, मोर देन 80,000 वुमेंस को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और जो एम टू एम जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, इट्स वेरी अमेजिंग। सर आपकी फिटनेस देख लग रहा है कि आपकी मॉम ने बहुत अच्छा हेल्दी खाना खिलाया, तो सर आपकी मॉम का देखिए, हम लोग तो यूपी वाले हैं, वहाँ पे दाल चावल और आलू का भरता ही होता है जो हम खाते हैं। और कोई फिटनेस फ्रीक जैसा मैं नहीं हूँ, जो कुछ मिलता है मैं खाता हूँ। बस कॉन्शियस यहाँ पे होता है दिमाग में कि हम ज़्यादा वर्कआउट करें, जो भी खाएं वो सब डाइजेस्ट हो जाता है। और ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ मैं। बिल्कुल आपने ये बहुत सही जवाब सवाल पूछा। एक्चुअली हम लोग जब हमारी जो पेरेंटिंग होती है, जब बड़े होते थोड़े से बड़े होते हैं तो हम घर छोड़ देते हैं पढ़ाई के चक्कर में, हॉस्टल्स में रहने लगते हैं, पीजीज में रहने लगते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें वही चीज़ें काम आती जो माँ ने सिखाई होती है। माँ को देख के हम बड़े होते हैं, रोटियाँ कैसे बनानी है, सब्ज़ी में कितना मसाला डालना है, नमक कितना डालना है, वो जो चीज़ें होती हैं देख देख के हम सीखते हैं। और वही चीज़ें जब हम अकेले होते हैं तो हम प्रैक्टिकली उसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर हम वो कर ले जाते हैं। तो जो माँ की सिखाई हुई चीज़ें हैं एक एक स्टेप याद आता है और वही आज हमें काम आ रहा है। बस बच्चों की अच्छी परवरिश करिए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए और आने वाले जो उनका भविष्य है उनको सिक्योर करने के लिए उनको हर चीज़ सिखाइए। उनको खाना बनाना सिखाइए, उनको खुद बाहर निकलना सिखाइए। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ मॉम्स होती हैं, कुछ उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा जो जिनको कहते हैं सो कॉल्ड मदर्स, जो मॉम्स मॉम्स चाइल्ड जो होते हैं, उनके लिए कि थोड़ा सा मॉम्स से आप चीज़ें सीखें लेकिन अपने लिए खुद काम करना आप सीखें, ताकि आपकी माँ भी आप पे गर्व करें, प्राउड फील करें। थैंक यू सो मच।
आई एम द मदर शायद जो भी है एंड आई हैव टू फोर लेगेड किड्स एमा एंड शेरी सो अभी तक आई हैव नॉट बायोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड एनी चिल्ड्रन बट आई एम अ मदर माई सेल्फ सो दिस इवेंट गिव्स मी इमेंस प्राइड एंड आई एम सो प्राउड टू बी अ मदर देखिए मैं सिंगर एक्टर बहुत सारी चीज़ें हूँ अब गाना तो हर दिन ही गाती हूँ बट मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी ऑन मदरहुड दैट फादर ऑफ द फैमिली इज़ ऑलवेज द एनिमी ऑफ द फैमिली बहुत घरों में ना बच्चे स्पेशली टीनेजर्स ऐसा फील करते हैं कि माँ हमें इस चीज़ के लिए रोकती है माँ हमें उस चीज़ के लिए टोकती है डांटती है फटकारती है बट इवेंचुअली ऑलवेज रिमेंबर उनके हर एक एक्शन से और मूवमेंट के पहले आपकी भलाई और आपके फ्यूचर के बारे में सोच के बोला जाता है सो दिस लाइन द फादर ऑफ द फैमिली इज़ द एनिमी ऑफ द फैमिली इज़ सो रूड फॉर अ मदर एंड मदरहुड सो दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू से टुडे मैं यही कहना चाहूँगी भैया आज की तारीख में बहुत सारी चीज़ें हो रही है बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं टेक्निकली बहुत ग्रो हो गए हैं हर तरह की लिबर्टी मिलती है हर तरह की सहूलियत मिलती है जो हमारे ग्रोइंग डेज में नहीं थे शायद आई हैव अ सिंगल मदर इन द हाउस हु इज रेज्ड मी सो ग्रेसफुली आई ऑलवेज वॉन्ट एवरीबडी टू ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर्स सलमान खान बोलते हैं ना माँ को प्यार करो एंड रिस्पेक्ट योर मदर ऑलवेज ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग थैंक यू सो मच